की आवाज। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। आपको राजधानी दिल्ली की अब हैरान करने वाली तस्वीर दिखाते हैं। दिल्ली के धौला कुआं की तस्वीर अब आपके सामने होगी, जहां एक कार सवार ने ट्रैफिक पुलिस कर्मी को महिपालपुर के करीब 200 मीटर तक अपनी कार की बोनट पर घसीटा। धौला कुआं में पुलिस वाले ने कार सवार को रोकने की भी कोशिश की, लेकिन उसने कार को नहीं रोका और ट्रैफिक पुलिस कर्मी को अपनी कार की बोनट पर घसीटता रहा। कुछ दूर जाने के बाद भारी ट्रैफिक के बीच ही पुलिस कर्मी रोड पर गिर गया और कार सवार अपनी कार को भगा ले गया। करीब 1 किलोमीटर बाद आरोपी शुभम को गिरफ्तार किया गया। कार में शुभम के साथ उसका दोस्त भी मौजूद था। किस जगह पर यह पूरी घटना हुई, वहां से हमारी संवाददाता गोनिका अरोड़ा की यह रिपोर्ट देखिए। दिल्ली के धौला कुआं इलाके से एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया है, जिसमें दिखाई दे रहा है कि किस तरह एक शख्स ट्रैफिक नियमों की उल्लंघना कर रहा है और जब उसे ट्रैफिक पुलिस कर्मियों द्वारा रोका जाता है तो वो गाड़ी को रोकने की बजाय गाड़ी को तेज स्पीड से भगाता है और उसकी गाड़ी की बोनट पर ट्रैफिक पुलिस कर्मी उसे रोकने के लिए लटक जाता है, लेकिन वो गाड़ी को रोकता नहीं है बल्कि गाड़ी को और तेज भगाता रहता है। जिस जगह का ये सीसीटीवी सामने आया है, हम इस वक्त उसी जगह पर मौजूद है। ये धौला कुआं फ्लाईओवर के पास की जगह है। 12 अक्टूबर को शाम 5 बजे की यह घटना है, जब दो ट्रैफिक पुलिसकर्मी यहां पर खड़े अपनी ड्यूटी कर रहे थे। एक गाड़ी उधर से आइटन आती है, सफेद रंग की आइटन गाड़ी आती है, जिसमें दो शख्स राहुल और शुभम सवार होते हैं। शुभम गाड़ी को ड्राइव कर रहा था जब पुलिसकर्मियों द्वारा गाड़ी को यहां रोका जाता है। दरअसल गाड़ी की नंबर प्लेट फैंसी थी और इसके अलावा ट्रैफिक रूल्स का वायलेशन कर रही थी और इसी के चलते पुलिसकर्मियों द्वारा उस गाड़ी को यहां पर रोका गया। लेकिन जब गाड़ी यहां पर रुकी तो कुछ सेकंड के लिए रुकी, लेकिन उसके बाद उस शख्स ने गाड़ी को भगाने की कोशिश की। पुलिसकर्मी ने महिपाल, जो कि ट्रैफिक पुलिसकर्मी यहां पर तैनात थे अपने एक और साथी के साथ, जब वो यहां पर रुके हुए थे तब उन्होंने गाड़ी को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो शुभम नाम का जो शख्स गाड़ी चला रहा था वो गाड़ी को यहां से भगाने की कोशिश की। महिपाल ने रोका, वो गाड़ी के बोनट तक पर लटक गए, लेकिन उस शख्स ने गाड़ी को नहीं रोका और वहां से लेकर आगे तक करीब 100 से 200 मीटर पूरा डिस्टेंस उस गाड़ी ने कवर किया और तेज चलती हुई गाड़ी पर एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी लटका हुआ है जो कि अपनी ड्यूटी कर रहा है। लेकिन जो शख्स ट्रैफिक रूल्स को वायलेट कर रहा है वो खुद यहां पर अपनी गाड़ी को रूल्स तोड़ते हुए गाड़ी को भगा रहा है और ट्रैफिक पुलिसकर्मी की जान को भी जोखिम में डाल रहा है। इस सीसीटीवी में पूरी ये घटना कैद हुई है, पूरा क्लियर दिखाई दे रहा है कि किस तरह आरोपी शुभम अपने दोस्त राहुल के साथ गाड़ी में सवार था और किस तरह ट्रैफिक पुलिसकर्मी की जान को उसने खतरे में डालने की कोशिश की। फिलहाल राहुल और शुभम को पुलिस की तरफ से गिरफ्तार कर लिया गया है, मामला उन पर दर्ज कर लिया गया है और उनकी गाड़ी को भी जब्त कर लिया गया है। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ गोनिका अरोड़ा, इंडिया टीवी, धौला कुआं, दिल्ली। हाथरस कांड में सीबीआई जांच से जुड़ी बड़ी खबर पर डिटेल, ब्रेक के बाद।